से, और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप मिक्सर ग्राइंडर के जार के स्पिंडल बुश असेंबली को आप चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपने इसके स्पिंडल को सही टाइम पे अगर आपने लुब्रिकेट नहीं किया तो एक टाइम क्या आएगा कि ये पूरा घिस जाता है। और ये देखिएगा, यहाँ पे आप इसको अगर टच करके देखिएगा तो ये काफ़ी यहाँ पे लूज हो गया है। तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो आपका जब आप कुछ ग्राइंड करेंगे तो ये वोबल करेगा, वाइब्रेट करेगा, ज़्यादा साउंड इसमें से आएगा। प्लस इसमें से जो भी लिक्विड है, जो आप जैसे इसमें चटनी डाल रहे हैं तो यहाँ से लिक्विड लीक करेगा। इसमें में भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा लिक्विड लीक कर रहा है यहाँ पे। तो जैसे जैसे ये प्रॉब्लम होते जाएगा और दिन के बाद ये और ज़्यादा लीक करेगा। सेम वही प्रॉब्लम होता है आपका वेट जार में, सेम वही प्रॉब्लम। और ये जो ड्राई जार होता है उसमें ये प्रॉब्लम आता है, लेकिन इसमें आपको जल्दी पता नहीं चलेगा क्योंकि इसमें लीक करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, लिक्विड जो भी है पाउडर है। लेकिन एक टाइम में जब बहुत ज़्यादा ये घिस जाता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो आपका वाइब्रेशन का साउंड आएगा, फिर वॉबल करेगा, तो उस तरह का प्रॉब्लम आएगा। तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप इसको आप चेंज कर सकते हैं असेंबली। कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो आपका स्पून रहता है ये मिक्सर ग्राइंडर के साथ ही आता है। अगर आपने खो दिया है तो आप ये प्लेयर भी यूज कर सकते हैं इसको ओपन करने के लिए। और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इसमें जो भी होता है लेफ्ट हैंड स्क्रू मेथड यूज होता है, लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल यूज होता है। तो आपको इसे ओपन करना है तो इसे आपको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। ओके, यहाँ भी यही सिस्टम है, इसको क्लॉकवाइज घुमाइए आप। ओके, ये आपका कभी कभी काफी टाइट होता है, ये आपका ओपन हो जाएगा, ब्लेड आप ओपन कर लीजिए। ओके, इसको होल्ड करके ओपन हो गया आपका, उसको होल्ड करके आप इसको इसमें भी देखिए, आपको इसे क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। कभी 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 टाइट होता है, पीछे वाला भी जो आपका है ये कपलिंग, इसे भी ओपन कर लीजिए। ओके, इसके बुश को ठीक से रख लीजिए। खैर, जब आप स्पिंडल चेंज कर रहे हैं तो इसमें बुश का तो वो आएगा ही साथ में, ऐसे फिर भी आप रख लीजिए इसे। ओके, जो वाशर से इसको रख लीजिए साथ में। और से ये तो पहले ही हमने ओपन किया था, इसे भी साइड कर लीजिए, इसको निकाल लीजिए आप। ये आपका पीछे वाला हो गया वाशर, और ये हो गया आगे। आप इसमें देखेंगे यहाँ पे पूरा काफी पानी आया हुआ है, पूरा एकदम पूरा इसमें लीकेज हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपका कलर से भी पता चलेगा पूरा लीकेज है, पूरा इसमें आप देखेंगे कि लीकेज है। ओके, अब बचाइए तो इसको ओपन करने के लिए देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा नट है, इसे आपको ओपन करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास इस तरह का बड़ा सा सॉकेट है तो आप जस्ट इसे डालिए इजिली और इसको ओपन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो अगर आपके पास एक स्लाइड रिंच है इसे भी आप ओपन कर सकते हैं। इसे जस्ट इस यहाँ पे एडजस्ट कीजिए इस तरह से, देखिए इस तरह से मैंने एडजस्ट किया, इसे इस तरह से एडजस्ट कीजिए और एक स्क्रू ड्राइवर लेकर के बड़ा सा इसे मूव कीजिए, स्लिप नहीं होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा टाइट लगेगा लेकिन ये ओपन हो जाएगा, इस तरह से ओपन हो गया। देखिए मोटर हो गया, देखिए ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा इस तरह से ओपन कीजिए इसे, ये ओपन हो गया इजिली। अगर सॉकेट रहता तो काफी इजिली ओपन हो जाता, अगर नहीं है आपके पास उस तरह का तो इससे भी आप ओपन कर सकते हो। ओपन तो करना ही है, किसी भी हाल में ओपन करना ही है। ओके, इसको हटा लीजिए, उसके बाद से प्रेस कीजिए, प्रेस। ओके, दोनों ओपन हो गया। ये एक पैकिंग है और ये आपका निकल गया, ये हो गया आपका बुश और ये हो गया आपका
स्पिंडल, ओके इस तरह से ये रहता है, ये पीछे था इस तरह से, ओके ये आपका इस तरह से हो गया, ओके यह हो गया आपका। अब आप मार्केट में जाइए इसको लेकर के और बोलिए कि भैया मुझे इसी साइज का चाहिए, यही चीज चाहिए, तो सब कुछ देख के आपके मिक्सर का मॉडल भी ले जाइएगा, कौन सा मॉडल है आपका, जिस जैसे इस केस में ये बजाज का है, आप ले जाइए, आपको ये देख के दे देगा, मार्केट से लेके आइए और जैसे आपने ओपन किया था, जैसे आपने ओपन किया था सेम उसी तरह। अगर ये कभी कभी क्या होता है कि ये पूरा सेट ही आता है यहाँ पे, जैसे ये पूरा ये सेट ही आता है ये पूरा, और कभी कभी ये भी आपको मिल जाएगा, अलग अलग कंपनी का अलग अलग है, तो आप इसे लाइए इस तरह से, और जैसे आपने ओपन किया था पहले ये था, जैसे आपने ओपन किया था अगर इस तरह का मिल गया तो ऐसे करके इसमें डालिए, ओके काफ़ी इजी है, तो कुछ भी टफ नहीं है, डाल दीजिए इसको, ओके आ गया स्लॉट पे, ऊपर से इसे डालिए, ओके काफी टाइट कर दीजिए, ओके प्रेस हो गया, ये रबड़ डालना मत भूलिएगा, नहीं तो वो जो पानी है वो यहाँ से लीक करने लगेगा, जो भी लिक्विड है यहाँ से। उसके बाद ये था आपका, ये डाल दीजिए, ओके उसके बाद आपका जो ये देखिए, ये जो आपका था जो आपने ओपन किया था स्लाइडरिंग से, उसको आप डाल दीजिए, आराम से डालिए, थ्रेड पूरा आना चाहिए, ओके थ्रेड सही से पकड़ना चाहिए, थ्रेड नहीं पकड़ेगा तो आपका प्रॉब्लम होगा, स्लिप करेगा, एकदम टाइटली इसको डालिए, ओके ये डाल दीजिए, उसके बाद ऊपर से अपना डाल दीजिए इस तरह से, तो टाइट कर दीजिए इसे, टाइट कर दीजिए इसे, थ्रेड में ठीक से पकड़ना चाहिए आपको, अब काफी अच्छा से हो गया है, ओके टाइट हो गया है, इसको आप हाथ से जितना टाइट होता है कर लीजिए, उसके बाद ये तो आपका है ही, इसको लेके ऐसे टाइट कर दिया, कितना अच्छा हो गया, ओके इतना टाइट कीजिए कि पानी से लीक नहीं करे, ये नहीं कि ओवर टाइट कर दिए कि टूट ही जाए, ओके अब ये जो आपका ऊपर था इसमें तो आप एक्सपर्ट हो ही गए हैं इसको लगाने में, ये देखिएगा इसमें स्क्वायर टाइप का बना रहा था, ओके और यहाँ पे ये जो आप देखिएगा इसमें भी स्क्वायर टाइप का, तो जब डालिएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर मैच करना चाहिए, इस तरह से आप डाल दीजिए, खुद से वो चला जाएगा, और उसके बाद आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना पड़ेगा, अभी जैसे मुझे टाइट करना है तो क्लॉकवाइज डालना है, सॉरी टाइट करना है तो उल्टा एंटी क्लॉकवाइज डालना है, इसमें हमेशा आपको कंफ्यूजन होगा, तो आप अपने हाथ से मदद ले सकते हैं कि अभी मुझे टाइट करना मतलब नीचे जाएगा तो इसे मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, बस एंटी क्लॉकवाइज मैंने घुमा दिया, देखिए मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ इस तरह से और ये टाइट हो गया, ज़्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप मसाला पीसिएगा तो वो खुद से पूरा टाइट हो जाता है, ओके तो ये आपका रेडी हो गया, ओके ये तो चटनी का हो गया, अब आइए इसका वेट जार का, तो इसको आप ओपन ऐसे कीजिए इस तरह का है तो ओपन हो जाएगा आपका, और यहाँ पे एक पैकिंग रहता है ताकि कुछ लिक्विड लीक ना हो, तो यहाँ पे इस तरह का पैकिंग रहता है, ये भी अगर आपका ख़राब हो गया तो ये भी आप ले लीजिएगा, और इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका क्या होता है कि इसका सेट ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इसका पूरा ये जो प्लास्टिक है इसका सेट ही आता है, तो पूरा सेट ही आप लाइए और आराम से इसमें लगा दीजिए, आपका हो गया काम, अगर कपलिंग नहीं है कपलिंग भी रहता ही है इसमें,
तो आप इसमें लगा सकते हैं आराम से। ओके, आप स्पिंडल और इसका पूरा सेट ही आता है, आप लगा सकते हैं इसको और काफी इजी है, पूरा सेट ही आएगा। आप लाइए इसको सिंपली और लेके लगा दीजिए, सिंपल। और अगर नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो इसे आपको प्रेस करके निकालना पड़ेगा, इसको आपको प्रेस करके निकालना पड़ेगा इस तरह से। इसको बूस्ट को निकालना पड़ेगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसके लिए आप बेटर कीजिए इसको कि आप इसका पूरा असेंबली ले लीजिए, क्योंकि बहुत केस में ये पूरा सेट रहता है, प्रेस आप नहीं कर पाइएगा इसे। और अगर प्रेस भी करना पड़े तो ये काफ़ी डैमेज हो जाएगा क्योंकि ये प्लास्टिक है। तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो प्लास्टिक रहता है वो पूरा सेट ही आता है ये पूरा, तो उस केस में आपको ये पूरा सेट ही मिल जाएगा। कभी कभी देखिए किसी किसी मिक्सर ग्राइंडर में ये अल्मूनियम का रहता है तो उसमें आप प्रेस कर सकते हैं, उसमें ये अलग से आता है तो आप कर सकते हैं उसको। तो काफ़ी ईजिली आपने चेंज कर दिया। और अगर यही आप एक मैकेनिक के पास जाते हैं तो आपको काफ़ी उसके लिए जाना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, तो टाइम भी वेस्ट होता है और मनी भी वेस्ट होता है। तो बेटर है कि आप खुद से कर लीजिए इसको। बस अगर एक साथ नहीं जाता है सब तो आप एक एक करके डाले, वाशर सब नहीं जाता है एक बार में, तो आप धीरे धीरे इसको डाल के, इसको तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इसके का सेट ही आएगा आपको। ओके, इस तरह से जो सेट आएगा आपका उसको लीजिए इस तरह से। ओके, जार पे डालिए। ये देखिए आपका जो, अगर ये रबर एक्चुअली डैमेज हो जाता है, अगर आपका रबर डैमेज हुआ है तो बेटर है कि एक वो आप पैकिंग भी ये ले लीजिए नया, उसमें देता ही है कभी कभी, सेट में ही आता है, और इसको इस तरह से डाल दीजिए और फुल टाइट कर दीजिए। ओके, रेडी हो गया, कोई बड़ा साइंस नहीं है। ओके, आपका रेडी हो गया, अब इसको यूज कीजिए आप। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो जो कि समझ में नहीं आया हो या आपसे नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा कि इस केस में आप क्या कर सकते हैं। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि जो टूल्स होता है, छोटा छोटा टूल्स, जैसे कि एक स्लाइड रिंच हुआ, एक प्लेयर हुआ, स्क्रू ड्राइवर हुआ, छोटा स्क्रू ड्राइवर, ये सब आपके घर में रहना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ है, मतलब आपको कभी ना कभी कुछ कुछ छोटा छोटा काम में आते ही रहेगा। तो ओके, इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट बट इट इज़ यूजफुल फॉर होल लाइफ, आप इसे हमेशा यूज कर सकते हैं। ये आपका एक फ्रेंड बन गया है कि आपका दोस्त है, तो एक छोटा मोटा टूल्स आपके घर में रहना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग and please subscribe my channel. Thanks.